तो विषय की गंभीरता को आप समझिए कि हम कितनी बड़ी गलती में या भूल में फंस गए टीवी के विज्ञापन में फंसकर। और टीवी में विज्ञापन कौन कंपनियां कर रही हैं? वो कंपनियां जो 15 पैसे किलो के नमक को 7 रुपए 10 रुपए किलो बेच रही। आप जानते हैं समुद्र के पानी से नमक बनाना 15 पैसे किलो का खर्चा है, क्योंकि समुद्र का पानी फोकट का है, टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है, और उसके ऊपर पड़ने वाला सूरज का प्रकाश वो भी टैक्स फ्री है और कॉस्ट फ्री है। नमक बनाने में मशीन कोई लगती नहीं, आप जानते हैं। समुद्र का पानी एक खेत में हम इकट्ठा करते हैं, सूरज की धूप उस पर गिरती है, पानी बाष्प बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है, यही है ना। इसमें ना कोई मशीन लगती है, ना बिजली लगती है, ना बिजली ना मशीन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम है, 15 पैसे किलो का खर्चा आता है। अब ये 15 पैसे किलो का नमक आपके घर तक आते आते 7 रुपए किलो कैसे हो जाता है? ये उन लूटखोर कंपनियों का सारा तंत्र है सरकार के साथ मिलकर कि आपकी जेब में से पैसे खींच लें। जितनी कंपनियां नमक को आयोडीन युक्त करके बेच रही हैं या आयोडीन युक्त नमक है, वो सब लूट रही है आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना नहीं लूटा उससे ज्यादा लूट रही, वो चाहे भारत की हो या विदेशी। 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए किलो, हिसाब लगाओ ना गणित का। 15 पैसे किलो की चीज 30 पैसे किलो अगर आप खरीदो तो मुनाफा 100% हो गया, और 15 पैसे किलो की चीज 1.5 रुपए किलो खरीदो मुनाफा 1000% हो गया, और 15 पैसे किलो की चीज 3 रुपए किलो खरीदो मुनाफा 2000% हो गया, और 15 पैसे किलो की चीज 6 रुपए किलो खरीदो मुनाफा 4000% हो गया, और 15 पैसे किलो की चीज 7 रुपए किलो खरीदो 5000% का मुनाफा आपकी जेब से निकाला जा रहा है नमक के नाम। और नमक की मजबूरी क्या है? ये एक ऐसी वस्तु है जो सबको चाहिए, कंजम्पशन बहुत अधिक है, लाखों करोड़ों टन में हम इस्तेमाल करते हैं हर साल, तो मुनाफा भी कितना होगा जरा सोचो। 1 किलो का मुनाफा 15 पैसे से 7 रुपए, तो करोड़ों टन, लाखों करोड़ों टन नमक हर साल बिक रहा है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए लूट रहे हैं कुछ लोग आपको उल्लू बना। तो मैं चाहता हूं आप इस लूट से भी बचो और इस नमक से भी बचो। एक तो नमक जो दे रहे हैं वो बीपी बढ़ाने वाला, तकलीफें पैदा करने वाला, शरीर में विकृतियां और दोष पैदा करने वाला, ऊपर से इतना महंगा, हमारे पैसे खींच कर ले जा रहे। तो ये जो साजिशें चल रही हैं, ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं पूरे देश में अलग अलग तरीके, मुझे लगता है कि कोई बड़ा षड्यंत्र शायद इस देश के साथ हो रहा है कि सबको आयोडीन युक्त नमक खिलाते जाओ, 5 साल 10 साल 15 साल में सबकी आयोडीन शरीर में ज्यादा हो जाए, नपुंसकता पूरे देश में बड़े पैमाने पर हो जाए, बच्चे ही पैदा ना हो इस देश में, तो विदेशी आकर फिर कब्जा कर ले इस देश में अधिक जनसंख्या पे। आपकी जनसंख्या घटती जाए और दूसरों की बढ़ती जाए। आपको सुन के हैरानी होगी, आयोडीन युक्त नमक भारत देश में आने से पहले यूरोप और अमेरिका के खंड के 40 देशों में चल चुका है और वहां की सरकारों ने उसको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया, बैन कर दिया। यूरोप के देशों में सबसे पहले एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, इसने आयोडीन युक्त नमक शुरू किया, आयोडीन युक्त और एक्स्ट्रा फ्री फ्लो। आप सुनते हैं ना टीवी में, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नमक है और आयोडीन युक्त भी है। ये एक्स्ट्रा फ्री फ्लो क्या है? नमक में हमेशा नमी रहती है, नमी पानी के कारण रहती है। नमक की एक विशेषता है कि वो हर तरफ से पानी को खींचता है। सूखा हुआ नमक यहां खोल के रख दो, कल देखना वो सब गीला हो जाएगा। कहां से हो गया? वातावरण में जो मॉइस्चर है उसको नमक खींचता है। अगर कोई नमक पानी को खींचेगा तो वो एक्स्ट्रा फ्री फ्लो नहीं हो सकता, सूखा नहीं होगा, सूखा नहीं होगा। होनी चाहिए वो ये कि नमक जो है पानी को खींचता है, उसका गुण है, खाली रख दो गीला हो जाएगा। अब ये पानी